हेलो नमस्ते प्रणाम राधे कृष्णा सीताराम आप सबको। मैं रजनीश अवध आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है मुझे। मैं आज एक बहुत ही पुण्य एवं बहुत ही श्रद्धा से पूर्ण देव स्थान पर मैं आया हुआ हूँ जिसका नाम है श्रवण क्षेत्र। श्रवण क्षेत्र वही स्थान है जैसा कि आप लोगों ने रामायण में देखा होगा या सुना होगा अपनी कहानियों में कि श्रवण क्षेत्र वही स्थान है जहाँ पर अयोध्या के राजा महर्षि राजऋषि दशरथ जी ने श्रवण कुमार को अपने शब्दवेदी बाण से क्या मतलब भेद दिया था, मतलब उनका जानवर समझकर, जंगली जानवर समझकर उनका मतलब क्या कर दिया था, वध कर दिया था। तो इस स्थान पर आज आए हुए हैं जो कि हमारे ग्राम आवास जो हमारा है आदमपुर तिंदौली, वहाँ से लगभग 6 से 7 किलोमीटर, मुश्किल से 7 किलोमीटर दूरी पर है। तो ये आज मैं कुछ आप लोगों से ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। जैसा कि अभी हम आपसे बताएंगे आगे कि हम इस स्थान पर क्यों आए हैं, क्या काम हमारा, क्या मकसद है। ऐसा नहीं कि हम यहाँ पर नहीं आते थे, यहाँ बराबर हमारा आना जाना रहता था, लेकिन आज बहुत ही बेहद ज़रूरी, मेरे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, तो इसलिए मैं आज यहाँ पर आया हूँ और लाइव हूँ आप सबके बीच में। तो अभी हम आपको देरी में बताएंगे। जैसे कि आप देख रहे होंगे पीछे श्री भगवान श्रवण कुमार जी और उनकी माता पिता का जो क्या हुआ है, मतलब मूर्ति एक तरीके की बनी हुई है। ये दर्शाता है कि किस प्रकार यहाँ पर राजेश दशरथ जी द्वारा उनका मतलब वध कर दिया गया था। एक तरीके से वध करना नहीं कहा जाएगा, गलती से मतलब उनका शिकार बना दिया गया था। तो जो बातें हुई उसको आप सब रामायण में देखे होंगे, सुने होंगे, पढ़े होंगे, उसको छोड़िए। जैसा कि हम दिखा दे रहे हैं आप सब देख लीजिए अच्छे से बढ़िया से, ये वही स्थान है। देखिए यहाँ पर जानवर है, कुछ कुछ पशु हैं, कुछ गाय हैं, कुछ बछड़े हैं। यहाँ पर पीछे देखिए यहाँ पर मतलब चारागाह टाइप का है, कुछ मैदान है, खुला मैदान है। यहाँ पर वो अपना चारा पानी कर रहे हैं। और पीछे आप लोग देख पाएँ तो ये बना हुआ स्नान घर, और जस्ट उसी के पीछे है संगम। दो नदियाँ आकर यहाँ पर मिली हुई हैं, यही संगम वो स्थान है जहाँ पर श्री श्रवण कुमार जी अपने माता पिताजी के लिए घड़े से पानी भर रहे थे। और यहीं पर भगवान राजेश दशरथ जी ने उस घड़े की आवाज़ में पानी भरते हुए जब उनको सुनाई पड़ी तो उनको लगा कि कोई जंगली जानवर है, वही समझ के शब्दवेदी बाण मार दिए, और जो कि उनका जाके तीर लग गया उनको श्रवण कुमार को, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। तो पीछे दो नदियाँ आकर मिली हुई हैं, एक है बिसुई, एक मड़हा है, और ये दोनों यहीं पर मिलकर बनती हैं तमसा। आगे चलकर ये एक तमसा नदी बन जाती है संगम से, जो कि इसके आगे यहाँ से पीछे जो दिख रहा है ये तमसा हो जाती है, संगम वहाँ होकर, वहाँ पीछे कोने में संगम होकर। तो कुछ इस प्रकार से जानकारी आप सबको हम दे रहे हैं, आगे और बने रहिए आगे आप सब। अभी हम और कुछ और जानकारी देंगे, कुछ और दिखाएंगे आप सबको, और किस लिए हम यहाँ आज आए हैं उसको भी बताएंगे। हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण ये दिन है, खुशी का भी दिन है और दुख का भी दिन है, तो दोनों कारण आप सबको हम बताएंगे। अभी थोड़ी देर रुके रहिए और सब जुड़ जाएँ, हमारे जितने मित्र हैं उसके बारे में बताते हैं आप सबको। पीछे आप सब देख सकते हैं जैसा कि ये गेट बना हुआ है, अंदर एक बहुत बड़ा सा पीपल का पेड़ है जहाँ पर श्रवण कुमार और उनकी माता पिता का क्या बना हुआ मूर्ति बनी हुई है। तो चलिए अंदर दिखाते हैं हम कैसा है यहाँ का नजारा। पहले तो नमस्कार कर लेते हैं, जूते उतार लेते हैं। देखिए अंदर कुछ इस तरीके से बना हुआ है। यहाँ पर बहुत ही दिव्य, बहुत ही भव्य मेला लगता है श्रवण मास में भगवान श्रवण कुमार के नाम से, जैसे कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ भाई लोग आए हैं दर्शन करने बाहर, शायद हम लोग के तो एकदम ग्राम के एकदम हमारे गांव के बगल ही है, पर अभी तक हम कभी लाइव नहीं आए थे, कभी जुड़े नहीं थे, कभी इसके बारे में जानकारी नहीं दी थी आप सबको। तो आप सब देख सकते हैं कितना पवित्र, कितना भव्य स्थान है, कितना अच्छा देवस्थान है, आप सब देख सकते हैं। और ये देख सकते हैं आप, शायद मैं इनके बारे में नहीं भी कंफर्म नहीं है, शायद ये अंगुलीमाल जी का ये है मतलब बनी हुई मूर्ति। पीछे देखिए हनुमान जी हैं और पीछे श्रवण कुमार जी हैं, उनकी माता पिता हैं। देखिए वो किस प्रकार से कंधे पर अपने बिठाकर
कांवड़ यात्रा के लिए निकले थे और यहाँ पर आकर रुके थे विश्राम के लिए और थोड़ा पानी वानी पीने के मकसद से। लेकिन यहीं पर उनका क्या हुआ, राजर्षि दशरथ जी के द्वारा उनका एक तरीके से वध कर दिया गया। तो चलिए अब हम आगे बताते हैं आपको हम यहाँ किस लिए आए हैं, मकसद हमारा क्या यहाँ आने का, क्या हमारा मतलब यहाँ पर आने का मेन मुद्दा क्या है। मुद्दा क्या, हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन है आज, दुख का भी है खुशी का भी है दोनों है। तो चलिए आगे बताते हैं, जुड़े रहिए कैसे क्या होगा। इसके बारे में हम आप सबको बताना चाहेंगे, ये एक देवस्थान होने के साथ साथ ये एक शमशान घाट भी है जहाँ पर मृत शरीर को लाकर जलाया एवं दफनाया जाता है। आगे की घाट कहाँ पे है, कहाँ पे दफनाया जाता है मुर्दा, कहाँ पे जलाया जाता है उसको भी दिखाएंगे। और उससे हमारी बहुत ही एक तरीके से देखा जाए हृदय से जुड़ी हुई एक बहुत याद है, बहुत गहराई मतलब भावुक कर देने वाली याद है। अभी आप सबको बताएंगे क्या है, कैसे है, किस लिए मैं यहाँ आ जाया हूँ, क्या मेरा इरादा क्या है, क्या मेरा मकसद है, अभी सब बताएंगे आप सबको। चलते रहिए देखते रहिए, जंगल है यहाँ पर, जितने भाई लोग यहाँ पर जो आए हैं तो देखे होंगे और जो नहीं आया है अभी तक वो देख ले भाई, और कभी मिले टाइम मिले तो जरूर यहाँ पर आए। बहुत ही अच्छा स्थान है, बहुत ही पवित्र स्थान है, बहुत ही भव्य स्थान है। चलिए बताते हैं अभी क्या है कैसे है। पानी आ गया है थोड़ा बहुत नदी में, मतलब पानी का जलस्तर बढ़ गया है वर्षा होने के नाते, नहीं तो जलस्तर नीचे रहता था। दिखाते हैं अभी नदी कहाँ पे है कैसे है। जैसा कि आप सब देख सकते हैं दिख रहा होगा, ये पीछे देखिए नदी दिख रही है, इसमें पानी भरा हुआ है और यही वो स्थान है। दिखाते हैं जब जलस्तर बढ़ाता है तो यह पानी यहाँ तक भराता है, पूरा ऊपर तक देखिए पानी वहाँ तक चला जाता है, लेकिन अभी जलस्तर नीचे है तो वैसी कोई बात नहीं हुई, बाढ़ आने की कोई घटना नहीं हुई। अब हम बताते हैं यहाँ पर हम किस लिए आए हैं। आज मेरे लिए बहुत ही खुशी का भी दिन है, दुख का भी दिन है। तो पहले हम आप सबको बताएंगे, यही वो स्थान है। देखिए यहाँ पर जैसा कि कुछ लाशें या कुछ मृत शरीर को यहाँ पर जलाया गया था अभी हाल ही में, जो कि धुआं भी निकल रहा है ताज़ा। चलिए अब हम बताते हैं यहाँ पर आने का मेरा मकसद क्या है। मकसद ये है, जैसा कि मैं आपको सबको बता चुका हूँ, मेरा नाम रजनीश अवध है। मैं यहाँ पर आया इसलिए हूँ क्योंकि यहाँ पर यही वो स्थान है जहाँ पर अभी बीते जनवरी के माह में हमारे पिताजी का दाह संस्कार किया गया था, हमारे पिताजी का देहांत हो गया था 14 जनवरी के दिन। इसी स्थान पर उनका दाह संस्कार किया गया था, तो इससे मेरी बहुत बहुत पुरानी याद जुड़ी, बहुत हृदय से बहुत ही भावुक कर देने वाली याद है। इसको भी दिखाएंगे, हमारे माता पिताजी दोनों जी नहीं रहे, दोनों लोग का देहांत हो गया, दोनों लोग का दाह संस्कार यहीं पर किया गया है। तो पिताजी का हमारे इस स्थान पर किया गया था, माता जी का हमारे बारिश के मौसम में कुछ आगे वहाँ पे पक्के कुछ बने हुए हैं शमशान घाट, वहाँ पे हुआ था, अभी उसके बारे में बताएंगे। और ये इसलिए हम यहाँ पर आए हैं क्योंकि मैं एक, जैसे कि आप लोग जानते होंगे, मैं अपने पिताजी के आज्ञा अनुसार एवं उनके राय मशवरा अनुसार और अपने इंटरेस्ट एक तरीके से रुचि के अनुसार मैं एक कलाकार हूँ और बनना चाहता हूँ और बेहतर करना चाहता हूँ। मैं एक गायक हूँ, एक आर्टिस्ट हूँ, गाना गाता हूँ, अभी उतना अच्छा नहीं गा पाता लेकिन मेहनत कर रहा हूँ, जी तोड़ मेहनत कर रहा हूँ अपने आप को निखारने के लिए और एक अच्छा कलाकार बनने के लिए और अपने माता पिता का नाम गर्व से ऊंचा करने के लिए और उनसे किया हुआ वादा पूरा करने के लिए। तो इस स्थान पर इसलिए हम आए हैं क्योंकि आज हमारा प्रोफेशनली, ऐसे तो मैं अपने स्कूल में अपने घर पे फंक्शन वगैरह में गाता भी था, डांस भी करता था, अभी भी डांस करता हूँ, गाता भी हूँ, लेकिन आज मेरे जीवन का पहला दिन है कि आज मैं प्रोफेशनली मतलब व्यावसायिक रूप से, मेरा आज पहला जागरण है, माता रानी का जागरण या नहीं भोले बाबा का जागरण है शहजादपुर में, जो कि हमारे जनपद अम्बेडकर नगर में शहजादपुर एक वो है शहर है, उसी सता हुआ अकबरपुर से। और हमारा मंडल, जैसे कि आप लोग जानते होंगे, हमारा मंडल जो है हमारा अयोध्या मंडल, और ये जिस जिले से हम आते हैं अम्बेडकर नगर से, ये कभी अयोध्या का पार्ट हुआ करता था लगभग 15-20 साल पहले। उस समय की तत्कालीन मुख्यमंत्री जी श्री मायावती जी ने सन 1995
अयोध्या का डिवीजन कर दिया, मतलब विभाजन कर दिया और एक नया ज़िला बना दिया अम्बेडकर नगर। तो अब उस तरीके से देखा जाए तो हम लोग अम्बेडकर नगर के मतलब एक वो हैं, निवासी हैं, लेकिन हम अपने आप को अयोध्यावासी मानते हैं और अयोध्यावासी मानने पर हमको बहुत बड़ा गर्व है। अभी हमारा मंडल अयोध्या ही है, हमारा कोई काम जिले से जो नहीं हो पाता वो सरकारी या कानूनी प्रक्रिया कार्यालय संबंधित वो सब अयोध्या जनपद से ही होती है। और बहुत ही खुशी की बात है कि हम लोग अयोध्यावासी हैं, अवधवासी हैं, अवध से आते हैं ये लोग, हम लोग के लिए बहुत खुशी की बात है कि इस पावन धरती पर हम लोग का जन्म हुआ। तो चलिए हम यहाँ पर आए हैं कि अपने पिताजी का, स्वर्गीय पिताजी का और माताजी का आशीर्वाद लेने, जिनके आशीर्वाद से आज मेरा जो प्रोग्राम है, मेरे जीवन की पहली सीढ़ी जो मैं चढ़ने वाला हूँ, उसको मैं सही एकदम मेहनत से मन से निभाऊँ और जनता के प्यार, जनता के दिलों पर अच्छे से अपनी पहचान बनाऊँ, उनके नज़र में आऊँ, उनका आशीर्वाद पाऊँ और दिन दिन मेहनत करते करते एक सफल और अच्छा कलाकार बनूँ अपने माता पिता के आशीर्वाद से और भगवान रूपी श्रोतागण से। तो 2 मिनट का आप टाइम दीजिए, हम यहाँ पर आए हैं, थोड़ा यहाँ पर अगरबत्ती वगैरह जलाएंगे अपने पिताजी के मृत शरीर को जहाँ पर दफना गया था उस स्थान पे, उसके बाद चलेंगे अपने माताजी जहाँ पे हमारी माताजी का हुआ था। तो थोड़ा बने रहिए आप सब, दिखाते हैं आप सबको हम, बने रहिएगा दिखाते हैं। ये स्टैंड नहीं खड़ा हो रहा यहाँ पे, देखते हैं, एक मिनट, ठीक है खड़ा हो गया। यही वो स्थान है जहाँ पर हमारे पिताजी का दाह संस्कार किया गया था और अब मैं चल रहा हूँ यहाँ पर अगरबत्ती सुलगाने और अपने पिताजी का आशीर्वाद प्राप्त करने। आप सब बने रहिएगा ऐसे ही जैसे बने हैं। और ये मेरे जीवन का शायद मेरे ख्याल से पहला या दूसरा लाइव है, इसके पहले मैं एक बार लाइव आया था, शायद मैं आगरा गया था ताजमहल देखने, लेकिन वो लाइव सफल नहीं रहा, नेटवर्क नहीं था, तो इसलिए मेरा पहला लाइव है। मेरा अनुभव अभी उतना अनुभव नहीं मुझे लाइव आने का, फिर भी कोशिश कर रहा हूँ, आप सब सपोर्ट करिएगा, जैसा भी होगा भविष्य में आगे बराबर हम आप लोग को अपडेट देते रहेंगे, अपने अपने बारे में, आप सबके बारे में अपडेट लेते रहेंगे। बस आशीर्वाद बनाते रहिए, बनाए रहिएगा। देखिए मैं अगरबत्ती जला रहा हूँ, हवा चल रही है यहाँ नदी के किनारे, अगरबत्ती नहीं जल पा रही है लेकिन कोशिश रहेगी जल जाए, जल नहीं पा रही, एक मिनट थोड़ा टाइम लग रहा है, जल जाए महाराज। अभी तो हम हिंदी में बात कर रहे हैं, मतलब खड़ी बोली, हमारे यहाँ अवधी बोली जाती है, अवधी, जैसे कि भैया किसी से कुछ पूछना हुआ, क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्या खा रहे हो, तो अवधी में इसको हम लोग कहते हैं, भैया काव करत है, काव खात है, कहाँ जात है, ऐसे बोलते हैं। भोजपुरी थोड़ा हमको नहीं आता है, भोजपुरी सीखना है अभी, अगरबत्ती नहीं जल पा रही है, बने रहिए आप सब, अगरबत्ती जल जाए तो आगे काम आगे बढ़े हम। जल ही नहीं पा रही है, रुका रहा, सब लोग इसे बना रहे, बने रहिए, अवधि में बना रहा भैया, सब क्षेत्री जितना क्षेत्र के हमारे सब है, शायद हमारी दीदी भी जुड़ी है इससे, सीमा दीदी, नमस्ते दीदी। अरे अगरबत्ती जल गया भैया, अगरबत्ती नहीं जल पा रही है, कैसे जलाएं, कैसे जलाएं, एक मिनट रुके रहिए, जला दे रहे हैं। बने रहिए, हंसी आ रही है लेकिन दुख का, दुख भरा दिन है मेरे लिए, बहुत ही हृदय विदारक दिन है, अंदर से रो रहा हूँ, बस आप लोग से जुड़ा हूँ ताकि आप सब देखें मैं क्या करने आया हूँ, कहाँ आया हूँ, ऐसे ही जुड़े रहिए। जल जाए अगरबत्ती, जल जाए तो आगे आगे बढ़े हम, अगरबत्ती जल नहीं पा रही है, हम इसको थोड़ा आड़ में जला के फिर आते हैं, आप लोग से मिलते हैं। Ah.
जल गई भैया अगरबत्ती, इसको यहाँ पर लगा दे रहे हैं अपने पिताजी के नाम पर। पिताजी से आशीर्वाद ले लें अपने, लग जाइए। चलिए अब आप सबको आगे ले चलते हैं। पिताजी का तो हो गया आशीर्वाद, जहाँ भी हो वहीं से आशीर्वाद दें उनका बेटा, उनका नाम रोशन करे, बहुत आगे जाए, अपने गांव का नाम रोशन करे, अपने ज़िले का नाम रोशन करे, और ऐसे ही पूरे देश में अपने माँ बाप का, अपने सभी देशवासी ग्रामवासियों का, जनपद वासियों का सर गर्व से ऊँचा करे। एक अच्छा कलाकार के साथ 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 एक अच्छा इंसान भी बनना ज़रूरी है। तो जैसा कि मैं यही प्रयासरत रहता हूँ कि मैं एक कलाकार, जो भी हो गायक, आर्टिस्ट, जो भी कहना चाहें आप लोग, उससे पहले मैं एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा, क्योंकि कलाकार तो बहुत पड़े हैं, एक से एक पड़े हैं, लेकिन कलाकार के साथ साथ एक अच्छा इंसान भी होना ज़रूरी है। एक दिल का बहुत ही दयालु मददगार होना चाहिए, असहाय गरीबों और ज़रूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए, जिस भी रूप से हो सके, धन से, बल से, किसी भी रूप से, जिस के योग्य आपको बनाया हो ईश्वर ने, आपके माँ बाप ने। कभी भी किसी की सहायता करने से पीछे नहीं हटना चाहिए, मेरी तो यही सोच है, बाकी आप सब जाने। और मैं यही करता आया हूँ आज तक, आगे भी यही करता रहूँगा। अभी तक तो अपने माँ बाप के भरोसे जीवित था, जीता था, लेकिन अब माँ बाप छोड़कर चले गए हैं, अब अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीनी है, अपने अनुसार जीनी है। फिर भी हमारे माँ बाप ने इतना कर दिया है हम लोग के लिए कि बस हम लोग अगर सही से रहें। दो भाई हैं हम, दो बहनें हमारी, दो बड़ी हैं बहन, एक बड़े भाई हैं, सबसे छोटे हम अपने घर में, माँ बाप दोनों नहीं है जैसा कि आप लोग जान चुके हैं। देखिए ये वो स्थान है, यही वो स्थान है, ये वो बारिश के मौसम में टीन सेट बना है, जहाँ पे बारिश के मौसम में यहाँ पे मृत शरीर को जलाया जाता है और दफनाया जाता है। अच्छे से देख लीजिए आप सब, और आगे शायद यही है या उधर वाला जो बना है, उधर वाला अगरबत्ती वहाँ पे भूल गए। चलिए पिताजी का आशीर्वाद हो गया, माता जी का हो गया साथ साथ, तो वो वाला टीन सेट जो है वहीं पर हमारी माता जी का दाह संस्कार किया गया था। हमारी माता जी का ध्यान जब मैं कक्षा 8 में पढ़ता था, मतलब क्लास 8 में जब था, लगभग 14-15 साल की उम्र होगी मेरी, उसी समय मेरी माता जी का देहांत हो गया था, आकस्मिक देहांत, जिसकी पीड़ा मैं सहन नहीं कर पाया और मैं डिप्रेशन में चला गया। मैं क्लास 8 तक अपने स्कूल में बहुत ही होनहार विद्यार्थी रहा हूँ। क्लास 8 तक मैं अपने विद्यालय में टॉप 3 में हमेशा रहा हूँ। आप कभी भी हमारे विद्यालय जाकर, हमारे जो बचपन के शिक्षक रहे हैं, हमारे पसंदीदा शिक्षक में से हम कुछ नाम लेना चाहेंगे, हमारी मैम रही हैं एक सैनी मैम, जैसा कि आप जानते होंगे, उनसे पूछिएगा, आप सब तो बताएंगी, अगर उनको याद होगा कि रजनीश नाम का कोई बच्चा था हमारे क्लास में, पढ़ने में ठीक ठाक था, बहुत ठीक नहीं था, हाँ इतना था कि हमेशा टॉप 3 में रहता था क्लास 8 तक। लेकिन जब हमारी माता जी का देहांत हो गया, उसी के बाद मैं डिप्रेशन में आ गया, मेरा पढ़ाई से मन टूट गया, और मैं क्लास 8 के बाद बहुत कमज़ोर हो गया, लापरवाह हो गया, मेरा मन नहीं लगता था पढ़ाई में। फिर भी किसी कैसे भी करके मैं 9th पास हो गया, 10th पास हो गया, इंटर भी मेरा हो गया, इंटर मैंने वहाँ से किया था। आप सबको सूचना दे, मतलब बताना चाहेंगे कि हमारे पिताजी एक सरकारी टीचर थे, इंटर कॉलेज के प्रवक्ता थे, प्रिंसिपल भी थे, 2020 में रिटायर हुए थे, अभी पिछले कुछ महीनों पहले जनवरी में उनका देहांत हो गया आकस्मिक, जिससे बहुत 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 बड़ी विपत्ति का सामना करना पड़ रहा है हम लोग को, अभी तक हम लोग उबर नहीं पाए हैं उस विपत्ति से। हमारा पूरा परिवार, हमारे जितने रिश्तेदार हैं, नाते रिश्तेदार हैं, हमारे भाई बहन जितने भी हैं, सब लोग अभी उस पीड़ा को झेल ही रहे हैं, उससे उबर नहीं पाए हैं, लेकिन क्या किया जाए, शायद ये प्रकृति का ऐसा ही नियम है कि जो आया उसको जाना ही है। यही नहीं मालूम रहता लोग को कि कौन कब किसके साथ क्या हो जाए, कहाँ हो जाए, कैसे क्या घटना हो जाए। तो जो हुआ सो हुआ, पिताजी के देहांत के बाद भी मैं सेम उसी स्थिति में चला गया था, बल्कि उससे दोगुनी तिगुनी स्थिति मेरी ख़राब हो गई थी, मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया था, यहाँ तक कि मेरे गांव वाले लोग मुझे पागल तक कहने लग गए थे कि रजनीश पागल हो गया है।
लेकिन क्या करूँ, जो दुख जो पीड़ा मेरे अंदर थी वो शायद मेरे भाई बहन के अंदर रही हो, शायद रही हो, लेकिन जो मेरे अंदर थी उतनी नहीं रही होगी, क्योंकि मैं मेरे पिताजी से ज़्यादा मेरे दोस्त थे। ये भी बताना चाहूँगा, आज तक मेरा कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं रहा है। लोगों के तो बेस्ट फ्रेंड होते हैं, बॉय में होते हैं, मतलब लड़कों में होते हैं बेस्ट फ्रेंड। मेरा आज तक कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं रहा है, जो रहा बस फ्रेंड रहा है काम चलाऊँ, अपने काम से काम निकाले सब लोग। हम भी नहीं कभी बहुत ज़्यादा मतलब रखे, लेकिन हैं फ्रेंड, हैं साथ में पढ़े हैं, तो उतना संबंध रिश्ता रहा है। चलिए ठीक है, यहाँ पर हम फिर आ गए हैं अपने पिताजी के, जहाँ पर अगरबत्ती सुलगाए थे। दिख रही है पीछे? नहीं दिख रही, देखिए ये दिख रही होगी शायद, दिख जा, देख लीजिए आप सब। यही वो स्थान है जहाँ पर हमारे माता पिताजी का दोनों का दाह संस्कार किया गया था। और मैं आज मेरा जागरण है शहजादपुर में, पहला मेरा और प्रोफेशनली मेरा पहला जागरण है। और मैं आज अपने माता पिता का आशीर्वाद लेने यहाँ पर आया था। और मेरे घर पे जितने भी सदस्य थे मेरे, होते नहीं एक गांव में पट्टीदार करके होते हैं, मतलब एक ही परिवार के कई लोग होते हैं, बाद में परिवार बट जाता है तो अलग अलग रहने लग जाते हैं, तो मेरे परिवार में लगभग 60-70 लोग हैं। मैं सबका आशीर्वाद लेके आया, सबसे सबका पैर छू के आया, और फिर यहाँ पर अपने माता पिता जी का आशीर्वाद लेने आया, क्योंकि इन सबके आशीर्वाद के बिना शायद मैं, दिल से मुझे संतुष्टि नहीं मिलती। मैं गाता तो ज़रूर आज गाऊंगा भी, अच्छा गाने की कोशिश करूंगा, और हो सकेगा तो वीडियो भी आप सबको देखने को मिलेगा मेरे YouTube चैनल पे, Instagram पे या Facebook पे, हर जगह मिलेगा। तो सबका आशीर्वाद लेके मैं आया यहाँ पे, सबने आशीर्वाद दिया कि जाओ अच्छे से मेहनत करो बेटा, मेहनत करो, तरक्की करो, और यही मेरे लिए बहुत है। ऐसे ही आप सब आशीर्वाद देते रहिए, मैं दिन रात एक कर दिया हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, मेहनत करूँगा। एक ज़रूरी बात और बताना चाहूँगा आप सबको, कि मैं पहले बहुत सोता था, जब मेरे पिताजी थे तो मैं बहुत सोता था, 8-8 बजे तक, 7-7 बजे तक सोता था, पढ़ाई उतनी अच्छी नहीं करता था। तो पिताजी मेरे रोज़ सुबह मुझको जगाया करते थे, लगभग 15-20 बार बुलाते थे, तब मैं उठ जाके उठता था। और ऐसा नहीं कि मैं उनके साथ कुछ जोक वगैरह या चिड़चिड़ापन या उनको चिढ़ाने की कोशिश करता था, मुझे अच्छा लगता था कि मेरे पिताजी मुझको बुला रहे हैं, उठा रहे हैं, अभी उठूंगा, ऐसे करते करते मैं 1-2 घंटे ऐसे ही बिता लेता था, और रोज़ सुबह 4-5 बजे के बीच में उठ जाया करते थे। लेकिन आज वही सब मैं याद करता हूँ, मुझे कोई आज सुबह बुलाने वाला नहीं, कोई उठाने वाला। अब मैं बिना किसी को उठाए मैं रोज 2-3 बजे के बीच में उठ जाता हूँ, मुझे नींद नहीं आती, और मैं अपने लक्ष्य की ओर बढ़ जाता हूँ, जुड़ जाता हूँ, मेहनत करने लग जाता हूँ, उठता हूँ, सुबह पुस्तक पढ़ता हूँ, रामचरितमानस, ये वही पुस्तक है, बहुत मेरे दिल के करीब वो पुस्तक है, क्योंकि मेरे पिताजी जब रिटायर हुए थे 2020 में, उनके विद्यालय में विदाई समारोह था, तो हमारे पिताजी को वहाँ पर उपहार के रूप में श्री रामचरितमानस मिली थी, और उनका मैं जूता भी पहन के आया हूँ अपने पिताजी का, आप सब देख सकते हैं, ये वही जूता है जो मेरे पिताजी पहना करते थे, यही जूता पहन के मैं आज आया हूँ, शो करने जा रहा हूँ, अपने पिताजी के हर एक याद लेकर आया हूँ मैं, और उनकी बुक में पढ़ता हूँ, रोज़ सुबह 1 घंटे में रामचरितमानस पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं नित्य क्रिया जो कुछ भी हो सुबह, जैसे आप सब जो भी करते हो, उसके बाद मैं जाता हूँ डेली एक विद्यालय हमारे गांव के बाहर रोड से सटा हुआ हाईवे से, संतराम पाठक साइंस एकेडमी करके, लगभग मैं पिछले 6-7 साल से वहीं पे बराबर आया जाया करता हूँ, वहीं पे मैं पहले दौड़ता था जाके, मुझे स्पोर्ट का भी शौक़ है, मैं बहुत अच्छा क्रिकेट भी खेलता था, क्रिकेटर भी हूँ मैं, और मैं प्रोफेशनली 1 साल में क्रिकेट सीख भी चुका हूँ लखनऊ अभिजीत सिन्हा क्रिकेट एकेडमी में, छोड़िए किसी कारणवश मैं वहाँ से, पारिवारिक किसी कोई भी समस्या रही होगी, मैं वहाँ से चला आया। उसके बाद मेरा शौक बचपन से ही रहा है संगीत में, गायन में, और इसका कारण बहुत ही बेहद ही खास कारण रहा है संगीत से जुड़े रहने का, क्योंकि हमारे पिताजी एक शिक्षक होने के नाते एक अच्छे कलाकार भी थे, वो गाना भी गाते थे, ड्रामा भी करते थे, जब वो शिक्षक थे या शिक्षक नहीं थे उसके पहले भी वो प्रतिभाग करते थे, जो भी ग्राम में अपने गांव में जो भी होती थी, मतलब प्रोग्राम झांकिया वगैरह जो ड्रामा वगैरह होता था पहले के समय में, उसमें सब प्रतिभाग करते थे, और एक लेखक थे, खुद गाना लिख के खुद गाते थे, एक राजनेता भी थे,
ग्राम के हमारे ग्राम सभा आदमपुर तिंदौली से प्रधान भी रह चुके थे, सांसदी का चुनाव भी लड़ चुके थे, जिला पंचायती का भी चुनाव लड़ चुके थे, अभी हाल ही में पिछले पंचवर्षीय चुनाव में BDC का भी चुनाव लड़े। तो हमारे पिताजी का इंटरेस्ट राजनीति में बहुत गहरा रहा है और उसके साथ साथ वो एक बहुत ही ज्ञानी, कानून के ज्ञानी, बहुत ही निडर एवं अडिग रहने वाले व्यक्ति थे। वो किसी के आगे झुकते नहीं थे, किसी के आगे न झुके थे न झुके, जाते जाते सर उठा के आए थे, सर उठा के चले गए, किसी के आगे आज तक झुके नहीं, समझौता किसी से नहीं किए, अपने पर अड़े रहते थे। और सेम वही स्वभाव शायद हम चारों भाइयों बहनों के अंदर हो, शायद हो, लेकिन मेरे अंदर तो है भाई। मैं अपने पिताजी के दिखाए हुए नक्शे कदम पे या उनके जो भी शौक रहे हों, सारे गुण मेरे अंदर हैं, उनके जैसा तो नहीं बन सकता मैं, लेकिन कोशिश करूँगा कि उनके दिखाए हुए नक्शे कदम पर चलूँ। इसी के साथ लाइफ बहुत लंबा होता जा रहा है। अपने पिताजी की एक बात और बताना चाहूँगा मैं कि मैं कहीं भी, मेरे पिताजी जब जीवित थे, जब थे अभी पिछले 5-6 महीने पहले, मैं कहीं भी जाता आता था तो मेरे पिताजी हर 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट पर मुझे फ़ोन किया करते थे, कहीं जा रहा हूँ, रास्ते में हूँ, कहाँ पहुँचे, क्या कर रहे हो, पहुँचे कि नहीं पहुँचे, या आना हुआ कहीं से, कहीं गया हूँ, आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो, कब आओगे, मेरे बिना तरीके से वो रह नहीं पाते थे, मुझसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। मेरे पिताजी के साथ साथ मेरे बहुत बड़े मित्र भी थे। मैं उनके साथ चाहे जो बातें करता था, मैं हमेशा कोशिश करता था मैं अपने पिताजी को हंसाता रहूं, और मैं ऐसी ऐसी बातें करता था कि वो हंसे, क्योंकि मेरी माताजी का देहांत हो जाने के बाद मेरे पिताजी भी डिप्रेशन का शिकार हो गए। परिवार की स्थिति बहुत गड़बड़ थी हमारी, हमारे भाई साहब एक बताना चाह रहे हैं फिर बताना भी नहीं चाह रहे हैं कि एक तरीके से उनकी लत खराब हो चुकी थी, उन नशे की लत में आ चुके थे, जिससे पारिवारिक बहुत उतार चढ़ाव देखने पड़े, बहुत झगड़े होते थे, बहुत मारपीट होता था परिवार में। इसी टेंशन में एक तरीके से सोच में माताजी का देहांत हो गया, विधि का विधान है, बहाना तो लग जाता है एक, माताजी चली गई, और उसी वियोग में, माताजी के जाने के वियोग में प्लस पारिवारिक जो कला थी उसके वियोग में पिताजी का भी देहांत हो गया पिछले 5-6 महीने पहले जनवरी में 14 तारीख को। चलिए अब माता पिताजी दोनों नहीं रहे हमारे, भाई बहन सब परिवार तो है, लेकिन अब एक तरीके से अनाथ ही माना जाऊंगा, क्योंकि जिसके जिन बच्चों के माँ बाप नहीं हो हैं वही जानते हैं माँ बाप की कमी क्या होती है, और माँ बाप के ना रहते हुए वो बच्चे अनाथ ही कहलाते हैं, भले उनका परिवार पूरा हो, कितना भी बड़ा परिवार हो, लेकिन वो अनाथ ही कहलाते हैं। तो बात मैं ये कर रहा था कि पिताजी मेरे फ़ोन किया करते थे, अब मुझे कोई फ़ोन नहीं करता कि तुम कहाँ जा रहे हो भाई, बेटा जो भी हो, जिसका मैं जैसे लगता हूँ, कहाँ जा रहे हो भाई, कहाँ जा रहे हो बेटा, पहुँचे कि नहीं पहुँचे, आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो, तो वो सब बहुत याद करता हूँ, अपने पिताजी को बहुत याद करता हूँ, और उनके लिए मैं एक गाना गाना चाहता हूँ अपने पिताजी के लिए, आप सब सुनिएगा, अगर अच्छा लगेगा तो बताइएगा, सुनिएगा। हम कहीं भी रही बाबूजी, हम कहीं भी रही बाबूजी, फोन हर दम उकारत रही, फोन हर दम उकारत रही, बाकी अब के उकारत नहीं, हमर बाबू हमर जान हमर यार रहे, जब से गईले हमके छोड़ हम लाचार भए, हमर बाबू हमर जान हमर यार रहे, जब से गईले हमके छोड़ हम लाचार भए। बस ये गाना मैं भैया अपने अपने मन से गाया हूँ, कहीं से मैं इसको सुना नहीं हूँ, पढ़ा नहीं हूँ, मैं बस सिचुएशन के हिसाब से मैं इसी तर्ज पर ये गाना गा दिया अपने पिताजी की याद में। बाकी आशीर्वाद आप सब दीजिए, साथ दीजिए, मैं अपने पिताजी का सपना अंतिम सांस तक पूरा करके रहूँगा, तो मेरा भी सपना है कि मैं एक अच्छा कलाकार बनूँ, अच्छा गायक बनूँ। बस इसी के साथ मैं अपने लाइफ से भैया आप सबसे विदा लेना चाहूँगा, एक बात और कहना चाहूँगा आप सबसे, जितने भी भाई बहन या माता पिता जो भी जुड़े हमसे, भाई बहन हो, अपने माता पिता का कभी दिल मत दुखाना, उनको कभी तकलीफ मत देना, क्योंकि उनके ना रहने पे
के कितनी पीड़ा होती वही जान सकता है। तो भैया अपने माँ बाप का कभी दिल मत दुखाना, उनके दिखाए हुए कदम पर हमेशा चलना, वो कभी गलत नहीं दिखाएंगे आपको कि भैया आप गलत रास्ते पे जाओ, हमेशा सही रास्ते पे जाने के लिए बताएंगे। और यही हमारे माता पिताजी दोनों ने हमको सिखाया। मुझे जीवन भर तकलीफ रहेगी, मेरी इच्छा थी कि माता जी तो बहुत पहले छोड़ी चली गई थी, पिताजी के लिए मेरी इच्छा थी कि मैं अपने मेहनत की कमाई का एक रुपया अपने पिताजी को अपने हाथ से उनके हाथ में दे दूं। लेकिन आज वो दिन आया है कि मैं आज अपना प्रोग्राम करने जा रहा हूँ और मुझे जो कुछ भी मिलेगा पैसा वैसा, मैं यही चाहता कि मेरे पिताजी आज होते, मैं उनके हाथ में देता, क्योंकि जिंदगी भर उन्होंने अपनी पसीने की मेहनत की कमाई से हम लोग को पाल पोस कर इतना बड़ा किया। तो हम लोग का फर्ज बनता है कि अपने माँ बाप को भी हम लोग अपने कमाई का कुछ हिस्सा दे, और इससे मुझे बहुत खुशी होती अगर मेरे पिताजी आज होते। लेकिन कोई बात नहीं, मैं आज आप सबसे कहना चाहूँगा, मैं जीवन में अगर सफल हो गया, सफल तो होऊंगा आप सबके आशीर्वाद से, अपने माता पिता के आशीर्वाद से, मैं जो भी रुपया पैसा जो भी धन दौलत कमाऊँगा अपने पिताजी के नाम से, एक हिस्सा मैं गरीबों को, जरूरतमंदों को, आशाओं को, मैं अपने पिताजी। हाँ, लाइव थोड़ा कट गया था नेटवर्क की वजह से। मैं ये कह रहा था कि जो कुछ भी मैं रुपया पैसा कमाऊँगा अपने पिताजी के, अपने माताजी के नाम से, जितने भी गरीब आशाएं जरूरतमंद लोग होंगे, चाहे वो बिना माँ बाप के हों या उनके परिवार में उनके पति ना हो, उनकी औरत ना हो, जो कोई भी रहेगा, मैं सफल हो जाऊँगा, मुझसे जो सहायता मांगेगा मैं हमेशा उसके लिए खड़ा रहूँगा, ये मेरा वादा है सबसे, मैं अपने लाइव में कहना चाह रहा हूँ। और ये मेरे जीवन का पहला लाइव है, जीवन भर मुझे याद रहेगा, जीवन भर मैं ये लाइव नहीं भूलूँगा। और ये पावन धरती सर्वण क्षेत्र, इस पावन धरती पर आने का सौभाग्य बहुत कमी लोग को प्राप्त होता है, और हम लोग का सौभाग्य है कि हम लोग इसी पावन धरती से सटे हुए ग्राम आदमपुर तिंदौली के निवासी हैं, बराबर यहाँ आना जाना रहता है हम लोग का। ठीक है भैया, अब आप सब आशीर्वाद दीजिए, आप सबसे जल्दी मिलेंगे, हो सकेगा तो शाम को मेरा प्रोग्राम है, कोशिश करूँगा नेटवर्क रहेगा तो लाइव आऊँगा, नहीं तो प्रोग्राम होने के बाद मैं वीडियो डाल लूँगा अपने अकाउंट पर। ठीक है भैया, बाय बाय, सबको नमस्कार, प्रणाम, राधे कृष्णा सीताराम, मैं विदा लेता हूँ आप सबसे।